जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य को सोमवार देर रात 20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी भुगतान कर दिया जाएगा। केंद्र को कंपनसेशन सेस से मिले 20,000 करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्र के प्रस्ताव से 20 राज्य सहमत थे, लेकिन कुछ राज्यों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक तरह से बैठक में जीएसटी मुआवजा का मुद्दा सुलझ नहीं पाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आगे बैठक में फिर अनसुलझे मुद्दों पर बात होगी। दिस ईयर टिल नाउ व्हाटएवर हैज बीन कलेक्टेड अंडर द कंपनसेशन सेस which totals approximately to about 20,000 crores, will get disbursed tonight to all the states. This year's compensation cess collected, amounting to 20,000 crores, will be distributed late night today. So there wouldn't be anything kept behind. The entire amount will be disbursed. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम राज्यों के मुआवजे की राशि से इनकार नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई है, ऐसी स्थिति की पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी। मौजूदा हालात इस तरह का नहीं है कि केंद्र सरकार फंड पर कब्जा करके बैठी है और देने से इनकार कर रही है, फंड उधार लेना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने सुझाव दिया है कि उधार लेने के विकल्प पर सभी को फिर से मिलकर बात करनी चाहिए, इसलिए 12 अक्टूबर को फिर से मिलेंगे और इस समस्या पर बात Because at this time, states need more money. To ask them, however rightly, for some payment which was done to them earlier, which they didn't have to get, at this time would have meant a burden on the states. So we didn't intend to take the money back. However, because it's public money, there had to be some kind of a formulation through which, if not now, sometime, they can repay. So a committee under the chairmanship of the Bihar minister, Sushil Modi ji, was formed. They worked out the ways in which it can be done. So for now, 24,000 crores, which has to actually go to those states which received less, will be given to them. Thereby, those states which received less would actually get what they should have got at least now, and therefore the account gets closed in their regard. वहीं बैठक में तय हुआ कि लग्जरी और कई अन्य तरह की वस्तुओं पर लगने वाले कंपनसेशन सेस को 2022 से भी आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कार, सिगरेट जैसे प्रोडक्ट पर कंपनसेशन सेस आगे भी लगता रहेगा। राज्यों को नुकसान से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। नियम के मुताबिक यह जीएसटी लागू होने के बाद सिर्फ 5 साल तक लगना था। गौरतलब है कि राज्य करीब 2.35 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी का बकाया मुआवजा देने की केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। इसके बदले में केंद्र ने उन्हें उधार लेने के 2 विकल्प दिए हैं, लेकिन केंद्र की इस पेशकश को लेकर राज्य बटे हुए हैं।